पहले एपिसोड में मैं दिल्ली से चलकर हरिद्वार पहुंचा, फिर ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैंने स्कूटी रेंट करी और मैं घूमने के लिए निकल पड़ा। जहां मन किया वहां गया, गोवा बीच से लेकर नीलगढ़ वाटरफॉल तक भी गया और फिर मैंने शाम को गंगा आरती देखी। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं रिवर राफ्टिंग करूंगा, क्योंकि रिवर राफ्टिंग करने के बाद बहुत थकान होती है। अगर आप भी ऋषिकेश आ रहे हैं और रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना ना भूलें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ, रिवर राफ्टिंग में क्या कुछ होने वाला है आप सभी के साथ में और कैसा आपका एक्सपीरियंस रह सकता है, किसको रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए, कब कब ये ओपन रहती है और कितनी लंबी रिवर राफ्टिंग आप कर सकते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या चार्जेस एक्सपेक्टेड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं रिवर राफ्टिंग के। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आप ऋषिकेश घूमने के लिए आते हैं तो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड चीज होती है रिवर राफ्टिंग। मैं पहले भी कर चुका हूँ रिवर राफ्टिंग और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, इसलिए मैंने इस बार भी डिसाइड किया कि मैं रिवर राफ्टिंग करूंगा। रिवर राफ्टिंग करने के लिए जगह जगह आपको ऋषिकेश में शॉप्स मिल जाएंगी जहां पर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जिस भी शॉप से आप नेगोशिएट करते हैं या फिर फाइनल करते हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर उस स्पॉट तक लेकर जाना जहां से राफ्ट पानी में उतरती है और आपको पानी में जाना होता है। रिवर राफ्टिंग का ये पूरा मैप है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे लंबी जो रिवर राफ्टिंग होती है वो होती है कोडियाला से रामझूला तक, जो कि लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, काफी कम लोग ही इसे करते हैं। उसके बाद आती है मरीन ड्राइव से रामझूला, जो कि लगभग 26 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद आती है शिवपुरी टू रामझूला, जो रिवर राफ्टिंग है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, लगभग 16 किलोमीटर लंबी है रिवर राफ्टिंग होती है, 16 से 18 किलोमीटर लंबी, जिसके लिए आमतौर पर अगर आप सीज़न में जाते हैं तो 1000 रुपये तक, 700 रुपये तक लग जाते हैं। अगर आप नॉन सीजनिंग डे में जा रहे हैं तो उस समय आपको लगभग 400-500 रुपये तक भी ये रिवर राफ्टिंग पड़ सकती है। और उसके बाद आखिरी में आती है ब्रह्मपुरी से रामझूला तक रिवर राफ्टिंग, जो कि लगभग 6-7 किलोमीटर लंबी ही है। इसके लिए आपको 200-300 रुपये ही देने पड़ते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अगर आप अच्छे से रिवर राफ्टिंग महसूस करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको शिवपुरी के लिए जाना चाहिए या फिर मरीन ड्राइव के लिए जाना चाहिए। वहीं अगर रिवर राफ्टिंग की बात करी जाए तो जुलाई अगस्त और सितंबर महीने में रिवर राफ्टिंग लगभग 2.5 से 3 महीने के लिए बंद रहती है, क्योंकि उस समय जो गंगा का स्तर होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है और रेड जोन में उस समय गंगा जी रहती हैं। बाकी अगर बात करी जाए तो आपके लिए बेस्ट समय रहेगा रिवर राफ्टिंग करने के लिए अगर आप सुबह लगभग 11-12 बजे जाएं, उस समय धूप भी रहती है, तो अगर आप गीले भी होते हैं जब राफ्टिंग करते समय तो आप जल्दी सूख जाते हैं। राफ्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ते हैं तो कैसे खुद को बचाना है, कैसे अपने साथियों को बचाना है, कैसे आपको राफ्ट को हैंडल करना है, किस तरीके से राफ्ट को चलाना है, आगे बढ़ाना है, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो मेरा मानना है ये इंस्ट्रक्शंस आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। हालांकि कुछ लोग इसको लाइटली भी लेते हैं, पर किसी रीज़न से अगर आपकी बोट पलटती है तो ये इंस्ट्रक्शंस ही आपकी जान बचाने वाली है, क्योंकि गंगा का जल स्तर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और आप शायद ही उसमें टिक पाएं। कुछ रिकमेंडेशंस मेरी वीडियो क्रिएटर्स के लिए रहेगी, उन लोगों के लिए जो कि वीडियो शूटिंग के लिए रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको अपने साथ गोप्रो जैसी कोई चीज़ लेकर जानी होगी, कोई ऐसा कैमरा जो कि वाटरप्रूफ हो, और साथ में उसके लिए अटैचमेंट भी लेकर जानी होगी जो कि हेड पर माउंट हो जाए या फिर चेस्ट माउंट हो जाए। क्योंकि अगर आप रिवर राफ्टिंग वालों से बोलते हैं कि आप हमारी वीडियो शूट कर दीजिए तो उसके 2 से 2500 रुपये तक चार्ज करने के लिए कहते हैं। नेगोशिएशन पर हालांकि 500-700 रुपये तक में बात बन जाती है। आप दोनों एक साथ चलाना, कैसा लगा आप लोग को फर्स्ट है? अच्छा, ये तो अभी टेलर है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। जिस तरीके से हम पैडल करेंगे उस तरीके से हमें दिक्कत है अभी, ठीक है? अब जो मेन रैबिट है अब स्टार्ट होने वाले, ठीक है ना?
तो पैडल क्या करेंगे, बॉडी इस तरीके से मूव करना है, वन टू लीन योर बॉडी और उस तरीके से अपना पैडल चलाना है। सबसे पहले आप लोग पैडल का टी पकड़ना है, एनी टाइम पैडल को यहाँ पकड़ना है, यहाँ नहीं पकड़ना है, ठीक है। पूरा डीप करना है पानी के अंदर, पूरा लीन योर बॉडी, बॉडी के साथ चलाना है, एक दूसरे को फॉलो करना है, ठीक है ना। रैपिड में तो डर लगता है, हाँ तो उसी में चलाना है डर। एक बार नीचे जैसे हम अपन डाउन में जा रहे ना, ये जैकेट भी वही अंदर ही ले जाएगा, ऊपर लेके आएगा, अभी आपको कुछ नहीं लग रहा है। रैपिड में जब गिरता है तब पता चलता है। जब आखिरी का लगभग 5 से 6 किलोमीटर का पैच बचता है राफ्टिंग का, तो उसके बाद हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर हमें खाने के लिए थोड़ी वो चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहां पर आप मैगी खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, चिप्स कुरकुरे जैसी चीज़ें आपको यहां पर मिल जाती हैं, काफ़ी ठीक ठाक रेट पे मिलती हैं, हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो मैंने यहां पर चाय ली थी, साथ में मैगी ली थी, और ये नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना कमाल का लग रहा है। वहीं शाम के समय हम राफ्टिंग करते हुए लक्ष्मण झूले के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही भव्य नज़ारा देखने के लिए मिलता है, साथ ही कानों को सुकून देने वाली प्यारी सी आरती हमें सुनने के लिए मिलती है। तो राफ्टिंग करते समय आपको ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिले, इससे भव्य बात तो हो ही नहीं सकती है। इस नज़ारे को सच में बयां कर पाना शब्दों में बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलो हर गए।
ऋषिकेश में गंगा आरती का समय लगभग 6 से 7 बजे तक का होता है और 7 बजे के बाद भजन होते हैं। तो जैसे हम रिवर राफ्टिंग खत्म कर ही रहे थे, हमें पता लगता है कि आरती भी समाप्त होने वाली है, तो हम जल्दी जल्दी राफ्ट से उतरकर पहुंच जाते हैं गंगा आरती लेने के लिए, जो कि कितना ज्यादा सुकून दे रही थी दिल को। ये व्लॉग कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास था। गंगा आरती ने मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून दिया और ये पल हमेशा याद रहने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं और एक बार कमेंट में हर हर महादेव भी लिख कर जाएं। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।